आखिर कैसे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने बॉलीवुड के तीनों खानों को पीछे छोड़ के रख दिया है। हेलो दोस्तों मैं सोनिका का स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में दोस्तों अक्षय कुमार ने साल 2019 में नए इतिहास रच दिए हैं साल 2019 में उनकी चार फिल्में रिलीज हुई जो बैक टू बैक सुपर हिट रही उनकी फिल्म केसरी मिशन मंगल हाउस और गुड न्यूज ने मिलकर 760 करोड़ की कमाई कर ली है और ये वो नंबर नंबर है है जो हर हर एक्टर का एक ड्रीम होता है। हर कोई इतने करोड़ की कमाई करना चाहता है लेकिन अक्षय कुमार एक लौते ऐसे स्टार बन चुके हैं जिन्होंने ये आंकड़ा छू लिया है और इसी के साथ वो पहले एक्टर बन चुके हैं साल दो में जिन्होंने हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली है तो दोस्तों Already 2019 में वो एक रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2020 में भी अक्षय कुमार अपना ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे क्योंकि जिस तरीके का इस साल उनकी फिल्मों का लाइनअप है इसको देख के लग रहा है कि अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तहलका मचा देंगे इस साल उनकी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे सूर्यवंशी बेल बॉटम बच्चन पांडे रिलीज होने वाली हैं साथ ही लक्ष्मी बॉम्ब भी इसी साल साल रिलीज होगी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार इस इस भी बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा के के रख देंगे वेल दोस्तों इस, इन फिल्मों के अलावा एक और फिल्म के लिए अक्षय कुमार चर्चाओं में है दरअसल आनंद एल रॉय एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक सुपर की जरूरत थी उसमें सारा अली खान और धनुष को वो ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं और अब खबरें हैं कि वो अक्षय कुमार को इस फिल्म में कास्ट करने वाले हैं, लेकिन खबरें है कि अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए 120 करोड़ की फीस चार्ज करने वाले well, बढ़ना तो बन, भी लाजमी सी बात है आनंद तक बहुत कम बजट की फिल्में बनाई है अगर उनकी फिल्म जीरो को छोड़ दिया जाए फिल्म जीरो का जो बजट था वो डेढ़ करोड़ रुपए था वेल well, दोस्तों इसके पीछे कई रीजन बताए जा रहे हैं लेकिन अक्षय कुमार ने इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई की है लेकिन अक्षय कुमार की टीम का मानना है कि जैसे कि अक्षय कुमार हर जोनर में कमाल कर रहे हैं उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है और डिजिटल दुनिया से लेकर सैटेलाइट दुनिया में हर जगह अक्षय कुमार छा चुके हैं इस हिसाब से उनकी फीस का बढ़ जाना एक बहुत ही लाजमी सी बात है और उनकी फीस बढ़नी चाहिए वैसे दोस्तों देखा जाए तो अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ के रख दिया है जब उनकी फिल्म केसरी आई थी तो तब तक उन्हें ऐसे हीरो में गिना जाता था जिनकी फिल्में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर लेकिन केसरी के बाद जब मिशन मंगल आए गुड न्यूज आई और हाउसफुल फोर आई तो अक्षय कुमार ने प्रूव कर दिया कि वही बॉलीवुड के अगले किंग है और बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए हैं अक्षय कुमार ने शाहरुख खान आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है शाहरुख की फिल्मों का ग्राफ देखा जाए तो पिछले साल उनकी जीरो रिलीज हुई थी जो सुपर फ्लॉप रही और आमिर खान की भी पिछली फिल्म सुपर फ्लॉप रही तो इस हिसाब से अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़कर रख दिया है तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको अक्षय कुमार की फिल्मों का कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को